राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर को लेकर भ्रम फैला रहे लोगों को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को संदिग्ध श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि एनपीआर में लोगों को डी यानी कि संदिग्ध श्रेणी में रखा जाएगा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सरकार ऐसा हरगिज नहीं करेगी। कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे और जो एन्यूमरेटर है जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है वो जाकर पूछेगा, ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति। स्पष्टता के साथ कहता है एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा, एक। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। मेरी बात तो समझ, किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। एक मिनट, आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि विपक्षी दल सीएए पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है। देश भर में माइनॉरिटी के मन में और विशेषकर मुसलमान भाइयों बहनों के मन में एक भय बैठा दिया कि आपकी नागरिकता सीएए छीन लेगा। इस सदन में सारी पार्टियों के नेता उपलब्ध हैं, सारे लोग हैं, मैंने सबके जवाब नाम दे दे कर दिए थे कि भाई मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज बता दो जिसके अंदर ये कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविजन हो, किसी धारा का उपयोग करके किसी की नागरिकता छीन सकते, ऐसे दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई पड़ता हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। और कृपया हम आज क्या तय कर सकते हैं, सारी पार्टियां एक होकर कहें कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानी सकती, एक होकर सब कहें, तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगी दफर। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले, कौन भोग बना है? और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बहुत बड़े अधिवक्ता है, सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। सब एक मिनट। इसके साथ ही अमित शाह ने दिल्ली की जनता और लोगों को भरोसा दिलाया है कि जिसने भी इन दंगों में अपनों को खोया है उन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज डेस्क।